तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम कॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, सहसंबंध। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सहसंबंध कोरिलेशंस। इसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि सहसंबंध होता क्या है। सहसंबंध में दो चर मूल्य होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। ये दो क्या होते हैं, चर मूल्य। सहसंबंध क्या होता है, चर मूल्यों में से एक्स और वाई चर मूल्यों में से जो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को ज्ञात किया जाता है। उस ज्ञात किए गए संबंध को क्या कहते हैं अपन, सहसंबंध। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि x और y चर मूल्यों में जब इन दोनों का संबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे हम सहसंबंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दो लोग हैं, उन दोनों लोगों में संबंध ज्ञात किया जाए कि इन दोनों में क्या संबंध है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, सहसंबंध। सबसे पहले इसमें क्या होता है, अपन एक डेफिनेशन लिखेंगे छोटी सी, एक्स वाई चर मूल्यों में जो जो संबंध ज्ञात किया जाता है उसे सहसंबंध कहते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि इसमें संख्या शास्त्री कौन कौन से होते हैं। तो उसमें दो प्रकार के गुणांक किए जाते हैं, एक होता है अपना कॉल्पियसन सहसंबंध, दूसरा स्पेयरमैन सहसंबंध। तो जो संख्या शास्त्री होते हैं ये दोनों संख्या शास्त्री कितने होते हैं, दो होते हैं। पहले होते हैं अपने कॉल्पियसन, दूसरा होता है स्पेयरमैन। ये दोनों संख्या शास्त्री हैं, इन दोनों ने अपने अपने फॉर्मूले दिए हैं क्या, सहसंबंध याद करने के लिए। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कॉर्पियसन। कॉर्पियसन ने अपना जो फॉर्मूला दिया, इन्होंने बहुत से फॉर्मूलेज दिए, लेकिन हम आपको वो लिखवाने वाले हैं जो सबसे बेस्ट है। इसमें भी सहसंबंध ज्ञात होता और इसमें भी। अब इसका जो फॉर्मूला है वो पढ़ेंगे, तो इसका लिखते हैं हम फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे, किससे, स्मॉल आर से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित। स्मॉल आर इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई ब्रैकेट वन। इसके बाद अंडर रूट एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा अंडर रूट शुरू एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब अपन फॉर्मूले को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है अपना एन। तो एन क्या होता है, अपना कुल पदों की संख्या। कुल पदों की
संख्या। उसके बाद आता है अपना डीएक्स। डीएक्स क्या होता है? विचलन। विचलन कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए। जब एक्स में से ए को हम माइनस करते हैं तो हमारा जो निकलता है वो क्या होता है? विचलन। नेक्स्ट है हमारा डीवाई। डीवाई कैसे निकलेगा? डीवाई को भी हम क्या बोलेंगे? विचलन। ये निकलेगा बाई माइनस ए, तो डीवाई निकलेगा। जब बाई में से हम ए को माइनस करेंगे तो हमारा डीवाई निकलेगा। इसके बाद डी स्क्वायर एक्स कैसे निकलेगा? तो dx इंटू डीएक्स, मतलब dx का गुणा हम dx में करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? डी स्क्वायर एक्स। इसके बाद करेंगे अपन डी स्क्वायर बाई, यहाँ लिख देते हैं डी स्क्वायर बाई हमारा कैसे निकलेगा? जब डी वाई का गुणा डी वाई में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? डी एक्स डी वाई हम कैसे निकालेंगे? जब डी एक्स का गुणा हम डी वाई में करेंगे, जो निकलेगा हमारा क्या होगा? डी एक्स डी वाई। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो अब आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी।